पति को छोड़ सकती हूँ लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकती। एक पति ने जब अपनी पत्नी को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोका तो उसने सोशल मीडिया छोड़ने के बजाय अपने पति को ही छोड़ दिया। यह अजीब व गरीब मामला सबा खातून और इलियास की शादी के कुछ ही दिन बाद पेश आया। सबा खातून जो हर वक्त अपने मोबाइल फ़ोन में गुमसुम रहती थी, हर वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती रहती थी और अपने ससुराल वालों पर और अपने पति पर कोई भी तवज्जा नहीं देती थी। बार बार इलियास ने सबा खातून को समझाने की कोशिश की कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर दें, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करें क्योंकि आप ससुराल वालों पर और मुझ पर तवज्जा नहीं देती, आप ज़्यादातर तवज्जा अपने मोबाइल फ़ोन और अपने सोशल मीडिया पर देती है। लेकिन एक दिन उस वक्त हद ही हो गई जब सबा खातून ने अपने बही को कॉल की और उसके सामने रोना धोना शुरू कर दिया। आप सब भी जानते हैं कि लड़की की आंखों में बहुत जल्द आंसू आ जाते हैं और इसने भी रोना धोना शुरू कर दिया, जिसके बाद सबा खातून का बही सबा खातून के ससुराल वालों के घर पहुंचा और सबा खातून के पति इलियास पर बंदूक तान दी, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर सबा खातून के बही को गिरफ्तार करती है। और सबा खातून, हालांकि इसकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी, उसके बावजूद भी लगातार ये अपने पति पर तवज्जा देने के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया पर तवज्जा दे रही थी। बार बार इसे समझाया भी जा रहा था कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोड़ दें, लेकिन सबा खातून ने सोचा कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं छोड़ सकती, मैं पति को ही छोड़ देती हूँ। और सबा खातून की माँ का ये कहना है कि पिछले 2-3 दिन से सबा खातून का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, मेरी सबा खातून से बात नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद मैंने इलियास को फ़ोन किया और इलियास से फ़ोन पर बातचीत करके उससे कहा कि मुझे सबा खातून से बात करवाइए, यानी मुझे मेरी बेटी से बात करवाइए। जिसके बाद सबा खातून की माँ ने सबा खातून से कहा कि अब आपका वहाँ पर कोई नहीं बचा है, तेरे ससुराल वाले सब मर चुके हैं, आप वापस आ जाइए। जिसके बाद सबा खातून की माँ सबा खातून के घर पहुँचती है और सबा खातून को यहाँ से लेकर अपने साथ मायके चली जाती है। हालांकि एक तरफ सबा खातून के बही को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके बावजूद भी सबा खातून ये समझ नहीं पाती है कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूं या अपने ससुराल वालों पर तवज्जा दूं, बल्कि वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपने मायके चली जाती है। इस दूसरी तरफ इलियास की माँ ने यह क्लेम किया है कि सबा खातून एक मिनट के लिए भी अपना फ़ोन साइड पे नहीं रखती थी, हर वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती रहती थी। हालांकि जो इसके इनलाज हैं उन्होंने भी बार बार कहा कि आप फ़ोन मत इस्तेमाल कीजिए, आप थोड़ी सी तवज्जा अपने पति पर दीजिए, आप थोड़ी सी तवज्जा घर के कामों में दीजिए, लेकिन इसने कोई भी बात नहीं मानी। और फिर सबा खातून के घर वाले हमारे घर पहुँचे और यहाँ पर एक हंगामा खड़ा कर दिया। दूसरी जानिब सबा खातून की माँ का ये कहना है कि मुझे मेरी बेटी ने कॉल की और उसने कहा कि आप यहाँ पर आइए और मुझे यहाँ से लेकर जाइए। हालांकि सबा खातून को चाहिए था कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर देती ताकि इस तरह के रिश्ते टूटने से बचते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सबा खातून ने मोबाइल फ़ोन छोड़ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोड़ने के बजाय अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली गई। हालांकि इलियास बार बार ये ऑब्जेक्शन कर रहा था कि आप इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन उससे कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और सबा का जो बिहेवियर था वो दिन ब दिन तब्दील होता जा रहा था, उसका रवैया जो है वो बदलता जा रहा था और इलियास को ये बात गवारा नहीं थी। और फिर पुलिस के मुताबिक इस हवाले से डोमेस्टिक डिस्प्यूट का एक केस जो है वो लालगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दिया गया है और सबा खातून के उस भाई को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने इलियास पर बंदूक तानी थी। पुलिस का ये भी कहना है कि कुछ ही दिन पहले इस जोड़े की शादी हुई थी, लेकिन सबा खातून इंस्टाग्राम की इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो चुकी थी कि वो हर वक्त इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्चर्स वगैरह
अपलोड करती रहती थी, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक मुस्लिम फैमिली से है, तो इलियास का माइंडसेट थोड़ा कंजर्वेटिव था। वो नहीं चाहता था कि मेरी बीवी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर दे। लेकिन इन दोनों के बीच आर्गुमेंट्स हुए, इन दोनों के बीच बहस मुबासा हुआ, जिसके बाद इन दोनों फैमिलीज के बीच ये सारा झगड़ा जो है वो स्टार्ट हो गया। ये खबर आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन देख सुन कर करें। इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें कि आप इस सोशल मीडिया के आदि हो जाएं, आपको सोशल मीडिया की लत लग जाए और आपको फिर सोशल मीडिया और रिश्तों के दरमियान फ़र्क ही पैदा ना चले। हालांकि सबा खातून को चाहिए था कि वो सोशल मीडिया छोड़ देती, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर देती और रिश्ते टूटने से बचाती, लेकिन नहीं, उससे सोशल मीडिया की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि उसे रिश्ते में और सोशल मीडिया में फ़र्क ही नहीं दिखाई दिया और उसने सोशल मीडिया और पति के बीच सोशल मीडिया को तरजीह दी। हालांकि इन दोनों का ताल्लुक हाजीपुर बिहार से था और हाजीपुर बिहार में ही इनकी जो है शादी हुई थी। अभी शादी को चंद ही दिन गुजरे थे कि इन्होंने जो है इस तरह से सोशल मीडिया के चलते, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के चक्कर में एक रिश्ता तोड़ दिया और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के चक्कर में ये पति को छोड़कर अपने मायके चली गई। लिहाजा आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, लेकिन आप सोशल मीडिया के आदि ना हो जाएं और कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आप सोशल मीडिया के आदि हो जाएं और आपको पता ही ना चले कि हमारे रिश्ते इस सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के चक्कर में टूट रहे हैं। लिहाजा आप इन सभी चीज़ों से एहतियात बरतें।